सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ पांच बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अमरजीत सिंह कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो अमरजीत सिंह किसी काम को कितना दिन में करते हैं? तो 5 दिन में करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन कम्प्लीट इट इन 3 डेज। अब उनका क्या था जी? तो उनका बेटा भी आ जाता है साथ में हाथ बटाने के लिए। तब वो किस उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? तो वो उस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। तब बताया जा रहा है कि मान लीजिए जब किसी दिन अमरजीत सिंह या फिर दोनों काम सीख गए, तो अमरजीत सिंह के बेटा को अगर अकेले काम करना पड़ जाए तो वो कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे? ठीक, तो कुछ नहीं करना है, हम फॉर्मूला जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, तो टोटल टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफ़िशियंसी। ठीक, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपली जो दिया रहता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक ना। तो पहला है कि अमरजीत सिंह किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, और उनका बेटा के साथ मिलकर वो 3 दिन में कर लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना निकलेगा? तो टोटल वर्क निकालने के लिए इस पाँच का और इस 3 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, अब इस 5 को इससे 15 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? तो 3। तो अमरजीत सिंह का इफ़िशियंसी आ गया 3, और अमरजीत सिंह प्लस उनके बेटा का इफ़िशियंसी आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब हम जान रहे हैं कि अमरजीत सिंह का इफ़िशियंसी तो 3 आ गया, तो अमरजीत सिंह का इफ़िशियंसी यहाँ 3 है, और टोटल इफ़िशियंसी अमरजीत सिंह प्लस उनके बेटा का 5 है। तो अमरजीत सिंह के बेटा का कितना इफ़िशियंसी रहा होगा? तो अमरजीत सिंह के बेटा की इफ़िशियंसी 2 रहा होगा। कैसे? तो 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो 2 आ गया। तो अमरजीत सिंह के बेटा का इफ़िशियंसी 2 है और टोटल काम 15 है। तो अभी हमने क्या देखा कि फार्मूला क्या था? तो हमने फार्मूला देखा कि टोटल वर्क बराबर कितना होता है? टाइम इंटू इफ़िशियंसी। अब अमरजीत सिंह के बेटा का हमको इफ़िशियंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो टाइम ही निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो अमरजीत सिंह के बेटा का इफ़िशियंसी कितना है जी? तो 3 है। टोटल वर्क ये डिसाइड करता है, एलसीएम बताता है, तो टोटल वर्क कितना है? 15 है। तो अब 15/2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 होल नंबर 1/2। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही होगा, ठीक ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 20 men and 15 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब 20 आदमी और 15 लड़का मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 15 आदमी और 10 लड़के मिलके उस काम को 9 दिन में करते हैं, तो मेन बाई बॉय का रेशियो क्या होगा, ठीक ना। तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हमने देखा होगा इससे पहले, क्या? तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट ये है कि M1D1H1 इज इक्वल्स टू होता है M2D2H2। M1 क्या है? तो M1 हो जाता है मेन, D1 डे हो जाता है, H1 आवर हो जाता है, और M2 हो गया दूसरा आदमी, मतलब जो दूसरा केस में बात किया गया, D2 सेकंड केस में, H2 सेकंड केस में, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा 20 men, ठीक ना, तो 20 men और प्लस 15 boy मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और वही 10 men अगर हैं, वही अगर 25 men हैं, वहीं पर अगर आपके 25 men आ जाते हैं, ठीक ना, और 10 boy आ जाते हैं, तो वो उस काम को 9 दिन में करते हैं, तो मेन बाई बॉय का रेशियो क्या होगा, यही पूछा है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, M1D1H1/M2D2H2 वाला, ये वाला जो M1D1, क्योंकि अब H1 तो यहाँ है नहीं, क्या दिया हुआ है, 20 men दिया हुआ है और डे दिया हुआ है, तो सिर्फ M1D1H10 मतलब 1 ले लेंगे, उसको हटा देंगे, M1D1 क्या हो जाएगा? M2D2, ठीक है। तो M1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो M1 ये वाला हो गया, ये टोटल M1 हो गया, और ये हो गया D1, ये हो गया M2, ये हो गया D2। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे पुट कर देना, तो M1D1H1/M2D2H2, तो M1 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 + 15 B, 20 M। चलिए इसको हम इरेज करके पूरा से इसको शुरू से बना देते हैं, ठीक। तो हम लोग समझ गए हैं इस फॉर्मूला पे बनेगा, तो M1D1 = M2D2 कर देना है, ठीक ना, M2D2, ठीक है, M1D1 = M2D2 कर देना है, कुछ नहीं करना। तो M1 कितना है? तो M1 है 20 M प्लस में 15 B, ठीक ना, 15 boy,
M1, और D1 कितना था, तो D1 है आपका 10, ठीक, और बराबर में कर देना M2 D2, तो M2 कितना था, तो M2 है 25 M, 25 M, सॉरी, M2 हो जाएगा 25 M प्लस में 10 बॉयज है ना, तो 10 B, और इनटू में D2 कितना है, तो D2 है 9, तो 9, और कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना था, कितना इस 10 को 27, तो 200 M, 200 M प्लस 150 B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, 25 × 9 करेंगे तो 225 M, अब प्लस में आ जाएगा 90 B, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद 200 M × 225 M, इसको में से माइनस कर देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, 25 M आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 150 और 90, तो 90 इधर आके माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, 60 B, ठीक है। तो एम बाई बी का रेशियो पूछा था, एम बाई बी का रेशियो, तो एम बाई बी का करने के लिए क्या हो जाएगा, एम बाई बी 60/25 हो जाएगा, ठीक, 60/25 करेंगे तो 12×5 = 60, और 5×5 = 25, सॉरी, ये 12 टाइम्स में 5 से 12 बार में कट जाएगा, और ये 5 से 5 बार में, तो इसका रेशियो कितना आएगा, तो एम बाई बी का रेशियो आपका, एम बाई बी का रेशियो कितना आ रहा है, तो एम बाई बी का रेशियो आपका आ रहा है 12/5, ठीक ना। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 12/5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 5 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज, 5 आदमी किसी वॉल को 12 दिन में बनाते हैं, तो वहीं अगर वॉल का जो मान लीजिए जो भी वॉल का थिकनेस या फिर जो भी लेंथ होगा, अगर उसको 50% से बढ़ा दिया गया और 10 दिन का समय दिया गया, तो कितने आदमी चाहिए। तो इसमें भी M1 D1 बराबर M2 D2 के ही कॉन्सेप्ट बनेगा। M1 कितना है, तो M1 है 5 मैन किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, M1 × D1 बराबर में M2 × D2, ठीक ना। तो M2 हमको तो निकालना ही है, और D2 हमको 10 दिन दे दिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले 100 काम करते थे, तो अब कितने काम करना है, तो 150, ठीक, पहले 100 काम करते थे तो अब 150 काम करना, तो 150% मतलब 50% से बढ़ गया, मतलब 150/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 15/10, ठीक। तो यहाँ से M2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो M2 का वैल्यू निकलेगा 15 × 2 × 12 और अपॉन में ये 10 × 10, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका M2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 9 डेज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से M2 का वैल्यू 9 डेज आ जाएगा, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पाइप नॉर्मली टेक्स, एक पाइप है जो कि नॉर्मली 4 मिनट लेता है, ठीक ना, भरने में किसी बकेट को, ठीक है। तो एक बाल्टी है जिसमें जिसको भरने के लिए एक पाइप, तो मान लीजिए कि कोई ए पाइप है वो 4 मिनट लेता है किसी बाल्टी को भरने में। अब बोल रहा है कि वही बाल्टी में हमने देखा क्या है कि एक बाल्टी में एक होल है, अब उस होल के चलते ये जो ए टैप है ये कितना मिनट लेता है, तो ये उस होल के चलते ये जो ए टैप है ये 5 मिनट लेता है, मतलब कि अगर दोनों का बात कर लें तो ये ए तो पहले 4 मिनट भर रहा था, लेकिन अब होल के चलते ये कितना ले रहा है, तो 5 मिनट ले रहा है। तो अब पूछ रहा है कि जो होल है उससे पानी कितने देर में पूरी तरह से खाली हो जाएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क एलसीएम निकालेंगे तो 20, इफिशियंसी निकालेंगे तो 5, मतलब टैप का इफिशियंसी 5 है और टैप प्लस होल का भी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए का इफिशियंसी यहाँ से तो हमको 5 निकल गया था, और ए प्लस एच का इफिशियंसी 4 है, तो ए प्लस एच बराबर 4 है, मतलब कि एच का इफिशियंसी और ए का इफिशियंसी 5 है, तो एच का इफिशियंसी कितना रहा होगा, -1 रहा होगा, ठीक ना। तो अब पूछ रहा है कि अब होल का कितना टाइम लगेगा बकेट को खाली करने में, मतलब कि होल का इफिशियंसी तो 1 है, -1 है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं क्योंकि इफिशियंसी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस एक इफिशियंसी होल की कितना है, इफिशियंसी होल का 1 है, टोटल वर्क हमको पता है, इफिशियंसी पता है, तो इसका टाइम नहीं निकल जाएगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी, तो 20/1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिनट, ठीक। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो आगे का क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 7 होल नंबर 1/2 आवर में करता है और बी वही काम को 10 होल नंबर 1/2 आवर में करता है, तो अगर वो दोनों 3 होल नंबर 1/2 आवर तक काम करें तो कितना काम बचा रह जाएगा। ठीक, तो ए किसी काम को कितने देर में करता है, तो ए किसी काम को इसको 7 होल नंबर 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, तो 15/2 घंटा में कर रहा है। ठीक है, वही बी उस काम को कितने देर में कर रहा है, तो बी उस काम को 21/2 में कर रहा है। ठीक, तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। ठीक, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15/2 और 21/2 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि फ्रैक्शन का, अगर हम बात करें फ्रैक्शन का, मतलब कि 15/2 और 21/2, इसका एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं ना, कि ऊपर वाला जो भी टर्म है ना, ऊपर वाला का हम लोग, ये जो ऊपर वाला 15 और 21 है, इसका तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और नीचे वाला का क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 और 21 का एलसीएम आप निकालिएगा, तो 3 से पहले कर डिवाइड करके देखिएगा, तो 15 और 21 का एलसीएम 105 आएगा, और 2 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही 2 आएगा, तो 1/105 में इसका 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 105/2, इसका एफिशिएंसी आ गया। ठीक, अब यहाँ से इसका ये टोटल वर्क आ गया, अब यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इस दोनों को डिवाइड कीजिए, 15/2 और 105/2। तो ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि 105/2 अगर है, उसको डिवाइड कीजिएगा 15/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, और ये 15 से 7 बार में कट जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 7, और ऐसे ही इसका एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, अब ए और बी दोनों का एफिशिएंसी हमको पता है। ठीक है, और कितना देर इनको हमको काम करना है ये भी पता है। ठीक, मतलब कि हमको देखना, क्वेश्चन दिया हो 3 होल नंबर 1/2 आवर इन लोगों को काम करना है, तो ये कितना, अब टोटल वर्क हमको टाइम पता है, और हमको टाइम पता है 3 होल नंबर 1/2 आवर, मतलब 3.5 घंटा काम करना है, और दोनों का एफिशिएंसी पता है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 12 है, तो दोनों का एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है, तो 3.5 घंटा में कितना काम हो, टोटल वर्क ये भी निकाल लेंगे, है ना। मतलब कि कैसे निकाल लेंगे, तो 3.5 घंटा को हम लोग 7/2 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 होल नंबर 1/2 को हम 7 होल नंबर 7/2 लिख सकते हैं, तो 7/2 और इंटू में, 7/2 इंटू में हमको एफिशिएंसी अगर 12 से इंटू कर दें, तो ये 2 से 6 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42। तो टोटल वर्क हमको कितना पता चल गया, टोटल वर्क हमको पता चल गया कि 42 आ रहा है। ठीक ना, मतलब कि 3.5 घंटा में ये लोग टोटल वर्क 42 कर रहा है, तो टोटल में टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारे यहाँ पे टोटल वर्क पहले इतना था, इसमें से 42 काम ये लोग कितना 3.5 घंटा में कर ले रहा है, तो बचा हुआ काम कितना होगा, तो इसको बचा हुआ काम कितना होगा, तो 105/2 - 42 एलसीएम लेके माइनस कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 21/2, तो ये काम इतना रिमेनिंग है, कितना पर से, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है तो बाई होल कर देंगे ना, तो कितना पर से, तो कितना पर से ये होल रिमेनिंग है, तो ये आपका रिमेनिंग है 121/2, आपका रिमेनिंग कितना है, 105/2 से टोटल वर्क देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो 21/105 आएगा। ठीक ना, जिसको कि सॉल्व करने पर आपका 1/5 आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, 1/5 है ऑप्शन में, तो इसका आंसर जो होगा ये आपका 1/5 आंसर आएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आगे हम लोग सेकंड वीडियो में इसका बाकी आगे का 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।